खुद मेरी दिल्ली में मैं प्रियंका वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हुई हूँ पंडित जी के पास और आप ये देख सकते हो कि पंडित जी की यहाँ पे सवारी निकल चुकी है और अब आज हम ट्राई करेंगे इनके जो फेमस है बहुत ज़्यादा अमृतसरी पीपे वाले छोले कुलचे। तो चलिए इनसे अब बात करेंगे और इनके छोले कुलचे ट्राई करेंगे और आप बेल भी यहाँ पे सुन सकते हो और वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते जी, मेरा नाम वैसे नाम तो मेरा प्रेमपाल सिंह राजपूत है, वो पंडित जी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। देखिए हमारे पास ये सब छोला कुलचा स्पेशल होता है, स्पेशल ब्रांड है, इसको फुल सेक्सी बोलते हैं। कारण ये कि जो खा लेते हैं वो अपने हो जाते हैं सब, एक बार खा लें और पता लगेगा कि हाँ जी क्या खाया है हमने। पीपे वाले छोले कुलचे, पीपे का क्या मतलब है? पीपे का मतलब ये है कि पंजाब की तरफ से आया है, ये यहाँ से ही कोच करा नून मंडी अमृतसर। हाँ जी पीपा बोला जाता है, कोई भी चीज़ है अलग अलग जगह की अलग अलग नाम भी होता है। पीपा बॉम्बे में डिब्बा बोलते हैं। ये मेरी किचन के बगल में गैरेज है। ये किचन है? हाँ जी, ये नहीं गैरेज है, किचन के बगल में ये किचन है। अच्छा, तो यहाँ किचन के सामने गैरेज है और गैरेज में सब पैकिंग का सामान होता है। बबड़े पलटे होते हैं, बबड़े देखिए मीठा तेल होता है, ये अच्छा ऑयल होता है बढ़िया, मगर ये सर्दियों में हम लोग करते हैं। अभी इसका सीजन जो ऑफ जा रहा है इस मौसम में, ये हटने वाला है। ये हाँ जी किचन है। हाँ जी भाई जला के देखिए, हाँ ये मेरा 2-3 टून वाला चूल्हा है, ये लकड़ी से चालू है, देखिए चालू हो गया है और ये कोयले से भी चालू है। और ये अंदर, हाँ जी ये देखिए, ये यहाँ दरवाज़ा है, इसका खाद पानी निकलता है यहाँ से। ये बाल्टी में ये सलाद होता है, अभी नवरात्रि चल रहे हैं इसलिए ये राधे राधे वाला सलाद है। ये मूली का सलाद, मूली का पत्ता है, माँ इससे बहुत खुश होती है। कैसे कि ये प्याज सलाद जो होता है ना, वो मामा ही खाता था। प्याज लहसुन वो अलग होती है, ये शाकाहारी माना जाता है और ये वैष्णु माना जाता है, ये मूली का पत्ता और मूली। हाँ जी नवरात्रि में रख देते हैं हम लोग, 9 दिन के लिए हम लोग हटा देते हैं। हाँ जी ये देखो लेमन वगैरह इसी में होता है और इमली चटनी बोलते हैं इसको सेक्सी। हाँ ये इसलिए सेक्सी है कि ये जो सभी लोग पसंद करते हैं इसको, इसका टेस्ट बहुत मस्त होता है, फुल सेक्सी होता है। हाँ मन खुश हो जाता है। सेटअप में देखिए ऊपर हमारे पास में सब, ये देखिए पनीर कुलचा है, ये पनीर वाले कुलचे हैं, ये धनिया मसाले वाले कुलचे रखते हैं हम लोग, और नान कुलचे भी होते हैं हमारे पास, उससे बड़े होते हैं। कितने बढ़िया तरीके से सेटअप में यहाँ पे इन्होंने इतनी सारी चीज़ें और इतनी वैरायटी यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ रखी हुई है। नीचे बेसमेंट होती है और बेसमेंट में एडवांस सामान होता है। हाँ नीचे सामान है जी, एडवांस इसके अंदर रखा है। देखिए यहाँ पर ये मनी ट्रे आएगी, इसका नाम रखा है मनी ट्रे। जब इसमें सामान लग जाता है सर्विस करने के लिए खाना, तो मनी आने लगती है, इसको कहते हैं मनी ट्रे। हाँ जी हाँ जी, तो दर्शन कराइए कि छोले के दर्शन नहीं हुए अभी तक मेरे। अच्छा अजी वो तो हम कराएंगे, ये ऑल फ्री है। अच्छा ये हाँ जी राधे राधे वाले छोले होते हैं, इसमें कभी भी प्याज लहसुन नहीं होता है, कभी भी भगवान को भोग लगा सकते हैं आप। ये देख लीजिए धुआं निकल रहा है, खाने के बाद धुआं निकलेगा, ये देख लीजिए लाजवाब छोले देख लीजिए, और गर्मा गर्म मिलेंगे। हाँ ताजी माल है, कभी भी लीजिए गर्म निकल, जिसको कहते हैं हॉट हॉट। ये मेरा सनी देओल का हथौड़ा है और ये बैग के अंदर यहाँ ग्रीन चिल्ली और मिर्ची चमचे यहाँ होते हैं और सामने यहाँ सनी देओल का हथौड़ा यहाँ रहता है। तो ये हथौड़ा क्यों लेके चलते हैं? हथौड़ा ये है कि सनी देओल का हथौड़ा है, जब ये क्लास लगती है और जब घंटा बजता है ना, तो लोग पाताल लोग से, इंदर लोग से, आकाल लोग से अपने आप भाग छूटते हैं लोग खाने वाले। बाकी ऑनलाइन में फ़ोन नंबर है, लोग अपना फ़ोन भी कर सकते हैं। नंबर आजकल डुप्लीकेट इतने हैं कि कोई ठीक नहीं नकल करने वाले। हाँ जी मगर असली पहचान लो, इसका स्वाद अलग ही होगा। हाँ जी पीपे वाले छोले असली होते हैं और फिर देखिए सारी जगह टेलर लगे होते हैं हमारे पास, बड़े एक्टरों के टेलर हैं, दिल्ली का पेपर है, हिंदुस्तान पेपर है, सारा कुछ पहचान लिए कि आजकल नकली बहुत चल रहे हैं। इसको कहते हैं प्लेन कुलचे सादे वाले। हाँ जी प्लेन मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कई लोग किसी को अपना इसको खाना है। ये देखिए ये कुलचे हैं प्लेन वाले कुलचे, देखो ये भी बड़े होते हैं, जो आम जो लोग कुलचे रखते हैं उससे भी बड़े हैं। क्वालिटी तो देखो जी होती है ही, ना रखेंगे तो फिर कैसे होगा। हाँ डैश स्वच्छ भारत लगा हुआ है पीछे, आप इसमें खाने के बाद डाल सकते हैं और जो आप डालेंगे तो गलती आपकी मानी जाएगी कि यानी दुकानदार की नहीं मानी जाएगी कि दुकानदार ने अपना डस्टबिन स्वच्छ भारत लगा रखा है हमने। तो यहाँ डस्टबिन डालेंगे आप
तो इधर उधर गंदगी नहीं होगी और साफ सफाई रहेगी, देश हमारा साफ सुथरा रहेगा, स्वच्छ भारत रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कितनी बढ़िया तरीके से इन्होंने साइकिल पे इतना बड़ा इन्होंने अपनी शॉप बनाई हुई है और कितने कम स्पेस में भी कितनी अच्छी तरीके से मैनेज करके रखा हुआ है इन्होंने। ये हमारा कल्चर है और हमारा हिंदुस्तानी टोपी है, ऐसे हमारे नेहरू जी साहब लगाते थे, है जी, तो हमारी हिंदुस्तान की पहचान है। अगर हम यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे तो हमारी टोपी लगा के जाएंगे, पता लग जाएगा कि ये हिंदुस्तानी है, प्योर हिंदुस्तानी है। देखिए बहुत लोग ऐसे हैं ये बोला हमने देखा नहीं, वो आंखें बंद करके और गंदगी करके चले जाते हैं, पीछे डस्टबिन लगा हुआ है बाकायदा इंग्लिश। छोले हैं, पीपे वाले छोले, वो अब यहाँ पे आ चुके हैं और कलर देखिए आप कितना ज्यादा लाजवाब लग रहा है। ये पीपे वाले ये चने के छोले होते हैं, काबली छोले के पे हो रहे हैं गरम बढ़िया तरीके से, कुलचे लिया है गर्मा गर्म और दिया है प्लेट में। ये आपका मैंने पेपर रख दिया है, टिश्यू पेपर, और ये ग्रीन चिल्ली चलेगी आपके लिए मिर्ची। हाँ जी, ये जो मिर्ची हम देने जा रहे हैं ये ऑर्डर पर मिलती है यहाँ पर। हाँ जी, जो ऑर्डर देंगे उनको मिर्ची मिलेगी, जो नहीं देंगे तो उनको मिर्ची नहीं मिल पाएगी, कैसे कि ये सब ऑर्डर की चीज़ें हैं। कई लोग भी ऐसे हैं कि बिगर ऑर्डर मिर्ची दे दो तो उनको है ना धुआं निकल जाता है। ये देखिए सलाद है, ये राधे राधे वाला सलाद है, प्याज का नहीं है, अभी नवरात्रे चल रहे हैं आजकल। नींबू की, हाँ जी, ये देखिए चटनी है, सेक्सी चटनी मिली है, और आपके अपने विचार से आप कहीं भी खा सकते हैं, खड़े होके खा सकते हैं, बैठ के खा सकते हैं, वो इसमें आपका ही रोल है। कैसे हमारे पास खाने के लिए यहाँ पर हमारा काउंटर कोई ऐसा नहीं है, सारे काउंटर खुलते रहते हैं यहाँ पर, कि कुछ हर मूड के लोग होते हैं, हमारे पास ये काउंटर खुलता रहता है, ये डिब्बा खुलेगा, ये खुलेगा, तो हम लोग अपना हाथ जगन्नाथ और अपने हाथ में रख के खाइए, किसी गार्डन में बैठ के खाइए, चाहे कहीं भी बैठ के खाइए, वो आपका रोल है, वो हमारा रोल नहीं है। तो फाइनली मेरे पास पंडित जी के मशहूर अमृतसरी पीपे वाले छोले कुलचे यहाँ पे लग चुके हैं। वैसे तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आसपास के लोग हैं वो इन्हें डुप्लीकेट कर रहे हैं या फिर उन्हें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप पंडित जी को पहचान लीजिए, यही है जो यहाँ पे ओरिजिनल पीपे वाले छोले बेच रहे हैं। तो ये देख सकते हो आप कि ये रहते हैं इनके छोले, और छोले की आप देखिए कितनी रंगत और कलर देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा है। और ये देख सकते हो आप, ये रहते हैं इनके कुलचे जो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जैसे हम खाते हैं यूजुअली, तोड़े हैं तो तोड़ के ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए मैं इनके छोले कुलचे ट्राई कर लेती हूँ जो बहुत ज़्यादा लाजवाब लग रहे हैं। तो अभी जस्ट मैंने छोले और कुलचे ट्राई करे हैं, वाकई में जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें इन्होंने जो नींबू डाला है ऊपर, तो उसके जो जो छोले के साथ जो मतलब जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना बहुत ही डिफरेंट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो छोले हैं इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, मीडियम है, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। हमारे 7 नंबर गली है, 111 ए प्रकाश हाउस बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग। टाइमिंग तो देखिए जब तक हमारा रेडी होता है, जब भी हम निकलते हैं 10 भी बज जाते हैं, कभी 11 भी हो जाते हैं, कभी 11:30 भी होते हैं, मगर लोग यहाँ आ जाएँ लेने के लिए। अगर किसी को जल्दी है, कहीं जाना है, ले जाना है, तो फ़ोन करके आएँ, कभी भी आएँ, फ़ोन पे पकड़ें, फ़ोन नंबर देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दिल्ली है दिल वालों की और फूड मेरी दिल्ली है खाने वालों की। तो जल्दी से मैं यहाँ पर छोले कुलचे को फिनिश करती हूँ और मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।